सब्सक्राइब कीजिए इन्फोटेक अथॉरिटी चैनल को और बेल आइकन दबाइए नए अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इन्फोटेक अथॉरिटी चैनल पे। और आज के इस वीडियो में आपको एक छोटा सा प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ, बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। तो और वो प्रोडक्ट है एक छोटा सा ड्रिल मशीन। ओहो, यह ड्रिल मशीन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, काफ़ी बढ़िया सा और सुंदर सा छोटा सा ड्रिल मशीन है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर देता हूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जब दूसरे वीडियो लेके आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये एक लोकल ब्रांड का ड्रिल मशीन है, जिसे मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया है और इसका नाम है व्हाइट हॉर्स। ये चीज़ आपको ऑनलाइन में मिल जाता है, अमेजोन में मिल जाता है, लेकिन मैंने इसे लोकल मार्केट से सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये में परचेस किया है। अगर आप ऐसा ही ड्रिल मशीन अगर आप बोस का खरीदते हैं ओरिजिनल ब्रांड का, तो आपको पड़ता है 10 से 12 हज़ार, जहाँ पे आपको सिर्फ मिलता है 6 महीने की वारंटी। इस पे आपको कोई वारंटी नहीं मिला, मुझे कोई वारंटी नहीं मिला था, ये सिर्फ टेस्टिंग वारंटी से मिला था, लेकिन अभी 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। मैं इसे बढ़िया तरीके से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी बढ़िया काम करता है। तो ये प्रोफेशनल जगह पे यूज होता है, मैं तो कभी कभी यूज करता हूँ, बाकी जो काम करने वाले लोग हैं वो इसे प्रोफेशनली यूज करते हैं, प्रोजेक्टर वगैरह लटकाने में ये काम आता है। और काफ़ी इसको यूज किया जा चुका है, लेकिन अभी तक बढ़िया चल रहा है। तो जैसे नॉर्मली बॉक्स में आता है, वैसा ही ये इसका पैकिंग बॉक्स है। तो मैं इसको ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, बॉक्स की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, इसकी उतनी बॉक्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मशीन काफ़ी अच्छा है, लेकिन काम चलाऊ है। तो यहाँ से ओपन करने के लिए ये लॉक है, इससे मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने ओपन किया और इस तरीके से ये मेरा मशीन है, कुछ इस तरीके से। तो ये है लोकल, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके है ये बिल्कुल लोकल ब्रांड, इसमें कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा ये कहाँ का मेड इन है, कहाँ का मेक है, चाइनीज है या अमेरिकन है या क्या है। लेकिन जहाँ से मैंने परचेस किया था उन्होंने मुझे बताया था कि ये सारे इम्पोर्टेड चीज़ होते हैं, लेकिन कहाँ का इम्पोर्टेड है मुझे नहीं पता। तो लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये चाइनीज नहीं है, तो ये चाइनीज नहीं है, इसमें कहीं कुछ नहीं लिखा है कि ये कहाँ का है, कुछ इस तरीके से ये है। आपको इसे मैं इस तरीके से भी दिखा देता हूँ, ये आपका मशीन है। तो चलिए मैं आपको इससे थोड़ा और डिटेल में दिखाता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से है, अगर मैं इसकी वजन की बात करूँ तो ये लगभग 2 किलो का है और काफ़ी बढ़िया इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है, स्मूथ है, अच्छी प्लास्टिक से इसको बनाया गया है। तो बहुत ही अच्छी प्लास्टिक से इसको बनाया गया है और बिल्कुल भी चाइनीज नहीं लगता। और मैं इसमें डिटेल की बात करूँ तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं व्हाइट हॉर्स करके ये ब्रांड नेम है, ये व्हाइट हॉर्स नाम का ब्रांड है और भगवान जाने कहाँ का ब्रांड है क्या है, लेकिन बढ़िया है, अपना काम काफ़ी अच्छा निकाल रहा है। इसके अलावा ये 800 वाट का है, ये जिसकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका पूरा डिटेल लिखा हुआ है। 800 वाट का ये आपका है और इधर भी इसका सेम डिटेल यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर इसमें इसके फीचर की बात करूँ तो यहाँ पे इसका ड्रिल है, इसका ड्रिल है, हैमर है और इसका इसमें 3-4 चीज़ें हैं। ये तो आपका नॉर्मल ड्रिल है और ये आपका हैमर के साथ ड्रिल है और ये शायद सिंपल हैमर है। तो 3-4 चीज़ें इसमें हैं और काफ़ी बढ़िया काम करता है। तो मैं इसके साथ जो बिट आए थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो वायर है ये भी लगभग आपका 1-2 मीटर के आसपास इसकी केबल है और इस तरीके का ये प्लग है। इसके अलावा इसमें मुझे 6 बिट मिले थे, ये वाला आपका बड़ा वाला बिट है दीवार के लिए, इसके ये दीवार के लिए बिट है, ये भी आपका दीवार के लिए है इस तरीके का बिट, ये वाला। और इसके अलावा ये आपका ये बिट है, ये है आपका 8 mm वाला बिट है, ठीक है। और इसके अलावा ये है आपका ये 10 mm का बिट है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से जो होते हैं 10 mm वाले, जो सबसे छोटा वाला है वो 6 mm वाला है। तो अगर आपको अपने घर के दीवार पे करना है तो 6 mm वाला भी इसमें है, ये छोटा वाला पतला वाला। तो ये 6 mm का हो गया, 8 mm का हो गया, 10 mm का हो गया। और ये मेजरमेंट के लिए है, ये आपका मेजरमेंट के लिए है, इसको यहाँ पे लगाना पड़ता है, यहाँ पे आप लगाते हो
इस तरीके से ये दोस्तों यहाँ पे लग जाता है। जब ये यहाँ पे लग जाता है तो आप इससे आप आराम से मेजर कर सकते हो कि आपको कितना बड़ा ड्रिल करना है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है नए बंदों के लिए। इसके अलावा इसमें ये भी दिया हुआ है, ये आपका तो ये छोटा सा बिट भी है, पता नहीं किस काम आता है। और इसके अलावा ये बिट है, ये हमने अलग से परचेज किया है, ये है आपका बड़े से दीवार में ओपन करने के लिए, बड़े दीवार के लिए है। ये भी 10 mm का, लेकिन काफ़ी बड़ा है। तो कुल मिला के इतने सारी चीज़ इसमें मिला था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार चला के दिखाता हूँ आपको। अभी ये यहाँ पे नॉर्मल हैमर पे सेट है, तो इसको जब मैं हैमर पे चलाऊंगा तो इस तरीके से चलेगा। इसमें ये मूव नहीं करता, बट सिर्फ हैमर का जो होता है ये हैमर चलता है। तो मैं इसको यहाँ से मोड़ के इधर पे कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये अभी हो गया हैमर प्लस ड्रिल। तो कुछ इस तरीके, जब हैमर प्लस ड्रिल पे करूँगा तो कुछ इस तरीके से होगा। और सिंपल ड्रिल पे करूँगा, जैसे मुझे घर पे करना है, घर पे जैसे अंदर घर के अंदर इंडोर पे करना है, तो कुछ इस तरीके से होता है। और इसमें बिट लगाना भी बहुत ही आसान है, आपने बिट निकाला और यहाँ पे ऐसे घुमा के थोड़ा सा प्रेस कर दिया, इसको प्रेस करके ऐसे, ये तो निकालने के लिए होता है, तो इसको आप प्रेस कर दोगे तो लग जाता है। जस्ट दबा के प्रेस कर देने से लग जाता है, और जब आपको निकालना हो तो इसको थोड़ा सा अंदर करके ऐसे दबा के, यहाँ पे निशानी बनी हुई है, इस निशानी से आपको ऐसे थोड़ा अंदर करके बिट को खींचोगे तो निकल जाएगी। और लगाने के लिए आपको सिर्फ प्रेस करना है, प्रेस करने से लग जाती है, उसके बाद ये लॉक हो गया। और आप इसे प्रेस करके इसको खींचोगे तो निकल जाएगी। कुछ इस तरीके से इसमें बिट लगते हैं। सो मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया मेजरमेंट करने के लिए, मेरे पास ये है, इससे मैं यहाँ पे ड्रिल करने वाला हूँ। तो यही कहानी है दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, किसी न किसी का तो काम जरूर आ ही जाएगा, क्योंकि ये लोकल मार्केट में बहुत बिकता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। हम लोग इसको 1 महीने से यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपको भी कहीं मिलता है ऐसा चीज़ तो आप आँख मूंद के खरीद सकते हैं। हालांकि आपके ऊपर ही है, पता नहीं कौन सा चाइनीज है या जर्मनी है या क्या है, तो अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो बढ़िया चलता है, इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, तो रिपेयर भी हो जाते हैं ये, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। बाय बाय।